किसी भी ट्यूटोरियल का लास्ट एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आज का भी कुछ वैसा ही है। Hey everyone, I'm Dipankar and welcome back to my channel. So, आज के इस वीडियो में मैं पूरा जो चंद्रयान 3 का जो कॉन्सेप्ट आर्ट कर रहा था उसका मैं एंडिंग करूंगा, मतलब उसे कंप्लीट करूंगा। आज ही स्पेशली मैं चंद्रयान जो रॉकेट है वो करने वाला हूँ। सो अच्छे से एंड तक देखना कैसे एक्रिलिक कलर यूज होता है। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर मेरे चैनल में भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो अब जो लास्ट एपिसोड है आज का वो शुरू करते हैं। सो रॉकेट में मैं यहाँ पर ग्रे का एक बेस टोन दे दिया था। अब जो यहाँ पर स्मोक है, नीचे का जो फायर का एरिया है, उसमें मैं एक और लेयर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वाइट ज़्यादा दे रहा हूँ और वाइट के साथ थोड़ा लेमन येलो मिक्स करके चारों तरफ का पोर्शन कर रहा हूँ और एकदम एंड में थोड़ा ब्राउनिश टोन रख रहा हूँ मैं। तो ऐसे पूरा आँख का पोर्शन हो जाएगा। अब चलो फोकस करते हैं रॉकेट पर। ओके, तो रॉकेट के लिए जैसे कि मैंने बोला कि ग्रे ही होगा पर ग्रे में थोड़ा ब्राउन मिक्स होगा, ठीक है। तो ये जो ब्राउन का मैंने टोन बनाया है ये अब जो डार्केस्ट एरियाज है वहाँ पर दूंगा। जैसे कि एक्रिलिक कलर में किया जाता है कि डार्क एरियाज को पहले करो उसके बाद लाइटर पोर्शन करो, तो वैसे ही देखो बीच का पोर्शन कर लिया। अब कुछ छोटे मोटे डिटेलिंग्स है डार्क कलर का वो कर लेते हैं, फिर लाइटर पोर्शन की तरफ जाएंगे। मैं धीरे धीरे ग्रे एरिया में भी जो डार्क पोर्शंस है उसमें थोड़ा ऐसा काम कर रहा हूँ ब्राउन से। एकदम ही ब्राउन नहीं होगा, ब्राउन में थोड़ा ऐसे वाइट मिलाओ, थोड़ा ब्लैक मिलाओ तो एक ग्रे स्टोन ही आएगा पर थोड़ा ब्राउन ब्राउन रहेगा। तो ये टोन से कर लिया। अब हाईलाइट की बारी, मतलब पहले डार्क एरिया करो उसके बाद हाईलाइट। तो यहाँ पर हाईलाइट किस कलर से दे रहे हो, ऐसे एक लाइट ग्रे कलर से, ठीक है। लाइट ग्रे कलर से अब हाईलाइटेड पोर्शंस में मैं टोन दूंगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो डार्क एरियाज है उसके साथ मिक्स करूंगा। तो पूरा जो यहाँ पर कलरिंग है वो वेट रहते रहते ही करो, मतलब एकदम सूख जाने के बाद मत करना। एक एरिया के साथ दूसरा एरिया को मिक्स करना है, इसीलिए जो एरियाज में काम कर रहे हो उसे वेट रहना होगा, मतलब थोड़ा भीगा भीगा रहना होगा, ठीक है। तो ऐसे देखो चल रहा है ऊपर की तरफ। मैं वैसे ही एक थोड़ा ब्लू मिला के थोड़ा स्टील कलर भी बनाया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारे कलर ही आप लोगों को काम में आएगा। ऊपर मैंने एक देखो इंडिया का फ्लैग भी बनाया है, नीचे देखो यहाँ पर थोड़ा ऐसे डिज़ाइन बना दिया। रेफरेंस फ़ोटो में भी वैसा ही है, तो वैसा मैं हूबहू कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। रेफरेंस फ़ोटो में देखो कलर थोड़ा ब्राइट है, यहाँ पर मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे कॉम्पोजिशन के साथ जाए इसीलिए। ओके, तो देखो बाकी मैं यहाँ पर इस पोर्शन में कैसे काम कर रहा हूँ सेकेंड लेयर में, उसके बाद थर्ड लेयर में फाइनल डिटेलिंग देंगे। Thank you.
अब देखो, अब रॉकेट के साथ साथ यहाँ पर जो अशोक चक्र है उसमें एक बेस लेयर दे के रखा था पहले, वो मैं करूँगा। या पर देखो नॉर्मली जो पर्शियन ब्लू या फिर अल्ट्रामरीन ब्लू है उससे मैं एक टोन दूंगा, पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है जो लाइंस होगा, जो दंड होगा अशोक चक्र के, जो 24 लाइंस है वो यहाँ पर देना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि वो अगर छोटा बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर आप लोग पहले प्लस बनाओ, उसके बाद ऐसे डिवाइड करो, उसे छोटे छोटे करके एकदम हल्का करके लाइन करके पहले देख लो कि यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं। जब एकदम फाइनल हो जाओ उसके बाद डीप करके कलर अप्लाई करो। पहले ही एक बार में डीप कलर यूज़ मत करना, धीरे धीरे समझ के करना कर, क्योंकि ये अगर छोटा बड़ा हो गया तो देखने में बहुत ख़राब लगेगा। ओके, अब देखो ज़्यादातर काम हो गया है। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ब्राउन के साथ ब्लू मिला के एक डार्क टोन बनाया है, और उससे ज़ीरो साइज के ब्रश से मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंडिया, इसरो, वो सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। ये बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि अगर आप लोग छोटे पेपर में कर रहे हो तो ये करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो टाइम देकर ये करना, क्योंकि ये नज़र में आएगा, ठीक है। ये अगर थोड़ा खराब भी दिखे तो वो चुभेगा आँखों पर, तो ये टाइम देकर करो। तो देखो ऑलमोस्ट पूरा ड्राइंग कंप्लीट है। अब मैं यहाँ पर खुद के स्टाइल में थोड़ा कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, ये आप लोग कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। थोड़ा बैकग्राउंड को डार्क करूँगा, उससे जो कॉन्ट्रास्टी फील है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर पीछे का जो फ्लैग है वो ज़्यादा ही फीका फीका, ज़्यादा ब्राइट हुआ है, उसमें थोड़ा डार्क एरिया ऐड करूँगा। सो देखो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब चलो सिनेमैटिक वे में देखते हैं पूरा ड्राइंग कैसा लग रहा है। पूरा पेंटिंग कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और ऐसे कौन से आने वाले टॉपिक्स के ऊपर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो वो भी नीचे जरूर कमेंट करना। चैनल नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।